और गली का हाल देखिए क्या हो रखा है। सहरसा दिल्ली रोड, दिल्ली का गलियों का रोड फॉर्म भरा जा रहा है किसी। ये फॉर्म है गाइस माइग्रेशन का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग अच्छे होंगे, आपको नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और आज हम पुराने कॉलेज जहाँ से डिप्लोमा हमने पास करा था फिर से वहीं जा रहे हैं। रीजन वहाँ जाके बताएंगे। और मेरा दोस्त राजन वो वेट कर रहा है, तो अभी उसके पास जाते हैं और यहाँ से निकलते। कहा कि हमें 8:30 का टाइमिंग दिया गया था और 9 बज चुके हैं, मतलब हम ऑलरेडी लेट हैं। सो हम यहाँ से पहले जल्दी निकलते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज में जाने के बाद बताता हूँ कि क्यों आया था, किस लिए आया था। और बहुत सारे लोग को कमेंट में डाउट था, तो आज उस डाउट को भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं आगे। तो अभी हम राजन के घर आ चुके हैं। हमारे पास सिंगल रूम लेट है, हमें डबल चाहिए क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है उधर, पुलिस पुलिस का चक्कर ना पड़े इसीलिए। और गली का हाल देखिए क्या हो रखा है। सहरसा दिल्ली रोड, दिल्ली का गलियों का रोड। अब मेरे दोस्त एक बार हंस दे। तो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं और कॉलेज में जितनी हलचल दिखनी चाहिए थी उतनी है नहीं। शायद मैं भी एग्ज़ाम का टाइम हो इसलिए ऐसा दिख रहा हो। और बाकी अगर मैं कॉलेज की कैंपस दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ बैठ के बोल ले क्या दिक्कत है। फॉर्म भरा जा रहा है किसी। ये फॉर्म है गाइज माइग्रेशन का। और ये मित्र हमारे भट रहे हैं, ये रिसेप्शनिस्ट एरिया है यहाँ का। हालांकि मैंने एक पूरी ब्लॉग बना रखी है इस कॉलेज के ऊपर, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो इस कॉलेज के बारे में। और जो भी कमेंट सेक्स जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं अभी कॉलेज में कॉलेज की तो वीडियो बनाने नहीं आया, खास करके मैं माइग्रेशन लेने आया था तो उसी की वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी रिसेप्शन एरिया में बैठ के फॉर्म भरते हैं, फिर माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आगे का प्रोसीजर पता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम कॉलेज के रिसेप्शनिस्ट एरिया में बैठे पड़े हैं और मेरा दोस्त गया है अभी वो माइग्रेशन का फॉर्म भरने। हालांकि कॉलेज बहुत बढ़िया है, पर डे पे भी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर भी ठीक ठाक है। साथ ये भी बता दूं कि सारे टीचर कोऑपरेटिव हैं। आपको अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसे कोई भी चीज़ की नीड पड़ेगी तो कॉलेज 100% सपोर्ट करेगा आपको। मैं बैच यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ, तो अब तक की मेरी यहाँ की जर्नी रही है तो मैं बोलूँगा बेस्ट रही है। प्लेसमेंट की बात किया जाए कॉलेज का, तो कॉलेज का प्लेसमेंट ऐसे देखो डिप्लोमा बेसिस पे जल्दी ज़्यादा किसी का होता नहीं है। और ये कॉलेज अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो लेकिन ना पुराना ना होते हुए की वजह से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। 50% रेशियो रहती है इसकी प्लेसमेंट की और 50% लोग तो बीटेक के लिए भी निकल जाते हैं, तो प्लेसमेंट ओवरऑल ठीक ठाक है। एक कोई सर्टेन अमाउंट में डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कॉलेज इतना लगा के आपको दे देगा, बट हाँ प्लेसमेंट के लिए अगर आप अप्रोच करोगे तो कॉलेज 100% सपोर्ट करेगा। फिर बात करें कॉलेज के अंदर कोई वो नहीं है, हॉस्टल वोस्टल नहीं है, रेजिडेंस के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको बाहरी रूम देखना पड़ेगा। पहले जब मैंने पढ़ा था तो ये BTE बोर्ड था, अब ये DSC बोर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपके सारे DSC के नियम कानून जो भी हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने BTE का फॉलो करा था। और कॉलेज के 3-4 टीचर हैं, रवि सर हो गए, शांतिलाल सर हो गए, प्रतिभा मैम, ये सब बेस्ट टीचर हैं, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। इवन मैं ट्राई करूँगा कि एक दो बच्चों से बात कर लूँ कि कैसा रहेगा, अगर कोई बच्चे में दिखे। हालाँकि अभी कोई कॉलेज में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, शायद मेन रीज़न हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा हो तो कॉलेज जो छुट्टी दे देती है कुछ दिन के लिए, शायद वो वेकेशन चल रहा हो
या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो जिसमें सारे बच्चे क्लास में हो, तो मैं ये कुछ कह नहीं सकता कि बच्चे अब यहाँ पे क्यों नहीं है, लेकिन कॉलेज सही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको निराश नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल गुड है, हर क्लास में प्रोजेक्टर टेबल बेंच सब नई नई लगी पड़ी है। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट ये कहना चाह रहा हूँ, कॉलेज सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, हर जगह आपको नीट एंड क्लीन ही चीज़ें मिलेगी। एक मेजर फैक्टर है कि CSE ब्रांच से हो तो आपको लैब प्रॉपर कराई जाएगी, अगर IT ब्रांच से हो तो थोड़ा सा जो नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़ी अवेल होने में दिक्कत होती है, मेरे टाइम होती थी, शायद मैं भी अपग्रेड हो गया हो तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। बाकी वेल गुड सही है, अब मैं यहाँ से निकलूँगा तो इसके बारे में बताऊँगा अच्छे से। बाकी मैं थोड़ी रेसिडेंस भी दिखा दूँगा कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका रहना सहना किधर हो सकता है और कितने की रूम वूम आती है, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी दिखा दूँ। और कॉलेज की भी मैंने एक छोटी क्लिप बना दिया है, वैसे आपको पूरा कॉलेज देखना है कि कैसा दिखता है और क्या है, कैसे उसकी फीडबैक रही है, हम शायद उस वाले वीडियो में फीडबैक की वीडियो शूट करे थे। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, बाकी आप उस मैं वीडियो को वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके पूरे कॉलेज को चेकआउट कर सकते हो कि कैसे है ये कॉलेज। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपका भाई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहे। मैं घर पहुंच चुका हूं और बाकी मैंने वीडियो शूट करी नहीं थी, पता ही नहीं आया, कुछ कुछ काम करने में लग गया, फिर मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। जितनी कॉलेज की इंफॉर्मेशन वाले वीडियो थे वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं इस ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा और आपको जो भी डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैं बीच में रुका था, खाना वाना खाया, उसके बाद घर आ गया, बोर्ड ऑफिस जाना था तो वहाँ भी चला गया। वैसे BTE का बोर्ड ऑफिस प्रीतमपुरा में है, अब DSU का चेंज हो चुका है। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ब्लॉग देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।